क्या सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने शेख रशीद के मुतालबे पर इलेक्शन की तारीख दी है? शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि सदर या तो इलेक्शन की तारीख दें या फिर इस्तीफा दे दें, तो सदर ने इलेक्शन की तारीख दे दी। इस पर सीनियर सहाफी मुजीबुर रहमान शामी ने बात करते हुए कहा कि सदर पाकिस्तान से तो शेख रशीद ने कहा था कि तारीख दे दें या इस्तीफा दे दें, उन्होंने तारीख दे दी है। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का इस पर क्या रद्द अमल आता है। अगर इलेक्शन कमीशन टस से मस ना हुआ तो फिर मामला अदालत में ही जाएगा। कहा कि ये बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है, फैसला लगता है कि अदालत को ही करना पड़ेगा और मामला वहीं पर तय होगा कि इलेक्शन होंगे या नहीं, और अगर होंगे तो कब होंगे। सदर मुमलिकत ने अपनी कानूनी टीम से मुशावरत की होगी और इसके बाद ही ये फैसला किया होगा। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेज देते तो ये ज्यादा मुनासिब बात होती। उन्होंने खुद ही तारीख का ऐलान कर दिया तो भी ये मामला जाना तो अदालत में ही है। मुजीबुर रहमान शामी ने मजीद कहा कि सदर की तरफ से तारीख का ऐलान करने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर वो रेफरेंस भेजते तो भी अदालत फैसला करती, अब भी ये मामला अदालत में चला जाएगा। याद रहे कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और केपी में इलेक्शन के लिए 9 अप्रैल की तारीख दी है। ये वही दिन है कि जब गुज़िश्ता साल इमरान खान की हुकूमत को रुख्सत किया गया था।